पॉलीस्टायरीन, लास्ट टाइम हमने पॉली विनाइल क्लोराइड डिस्कस किया था जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स या ह्यूमन मेड पॉलीमर्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन मेड पॉलीमर्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने देखा था कि इसमें एक विनाइल ग्रुप होता है विच इज़ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इस ग्रुप को आप विनाइल ग्रुप कहते हो। इसके साथ एक क्लोरीन लगा होता है, दिस इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो है इसकी अगर आप पॉलीमराइजेशन कर दो, ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो है दैट मीन्स कि अगर ढेर सारे एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड्स आपस में रिएक्ट कर दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनिशिएटर, और आप साथ हीट दो और 9 ATM प्रेशर अप्लाई करो, 52 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट भी दो इसको, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि ये आपके पास डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपके पास एक लंबा सा पॉलीमर प्रोड्यूस हो जाता है विच इज़ पॉली विनाइल क्लोराइड, या हम इसको PVC बोलते हैं, ठीक है। PVC में हम लोगों ने इसकी प्रोटेक्टिसिटी देखी थी लास्ट टाइम कि इसमें मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने किस तरीके से विनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस होता है ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अगर यहाँ पे टोटल एन मोनोमर्स आपस में अटैच हुए हैं तो यहाँ पे भी टोटल एन की चेन बनेगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी पॉलीस्टायरीन विच इज़ अगेन अ विनाइल पॉलीमर। विनाइल पॉलीमर्स की हमने पहले भी बात की थी, वो पॉलीमर्स जो विनाइल कंपाउंड से डिराइव होते हैं, यानी आपके पास विनाइल ग्रुप ये चीज़ है ना, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और साथ इसके कोई भी चीज़ लगी हुई हो, तो इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर तो विनाइल ग्रुप के नीचे आप बेंजीन रिंग लगा दो, या आप यूं कह लो कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपने विनाइल ग्रुप लगा दिए, सो ये जो कंपाउंड बन जाता है इसको हम बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है इस कंपाउंड की, बिकॉज इससे फिर पॉलीस्टायरीन प्रोड्यूस होता है पॉलीमराइजेशन के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी के हाउ डू वी एक्चुअली प्रोड्यूस पॉलीस्टायरीन इन द लैब। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि विनाइल क्लोराइड आप क्लोरीन और इथाइलिन के रिएक्शन से प्रोड्यूस कराते हो, ठीक है, और फिर उसका लेटर ऑन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, आज हम लोग देखेंगे कि स्टायरीन किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर उससे हम देखेंगे पॉलीस्टायरीन कैसे प्रोड्यूस होता है सिंथेसिस। लेटर ऑन इन टुडेज लेक्चर विल सी द 3D स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पॉलीस्टायरीन। हम लोगों ने एक तो इस प्रोसेस के लिए इथाइलिन लेना, इथाइलिन या एथीन जिस तरह आपने लास्ट टाइम भी लिया था, एथीन की आपको जरूरत पड़ी थी CHH, एक आपको एथीन चाहिए होगा इसमें, और दूसरा आपको साथ बेंजीन चाहिए होगा, ठीक है। बेंजीन और एथीन आपने लेना है, जिस तरह आपने लास्ट टाइम एथिलीन के साथ आपने क्लोरीन लिया था, ठीक है, और डाइक्लोरो कंपाउंड बना दिया था, फिर लेटर ऑन उसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया था। इस दफा हम ये करने लगे हैं कि हम बेंजीन रिंग का, ठीक है, बेंजीन रिंग का हम रिएक्शन करवाएंगे एथाइलीन के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं होता बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेचुरेटेड कंपाउंड, तो बेंजीन जो है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो फिर हम क्या करते हैं कि बहुत ही इंटेंस कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, बहुत ही हाई कंडीशंस के ऊपर, इंटेंस कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन होता है, ठीक है, सॉरी, इस रिएक्शन में ये होता है कि बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर आके ये चीज़ आके अटैच हो जाती है, और इस तरीके से अटैच होती है कि ये सी एच एच सी एच एच, अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इथीन का तभी तो आके अटैच होगा। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक इसका बॉन्ड खाली बच जाता है ना, तो ये जहाँ से इसने बॉन्ड ब्रेक किया था वहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग गया, तो बेसिकली आपके पास इथाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, एथाइल बेंजीन। और एथाइल बेंजीन जो है ये फिर आगे रिएक्शन करने में हेल्प करता है स्टायरीन प्रोड्यूस करने में। एथाइल बेंजीन जो है एग्जैक्टली एथाइल बेंजीन तक तो आप पहुंच गए, एथाइल बेंजीन तक पहुंचने का एक और भी तरीका था कि आप क्या करते कि बेंजीन लेते, जिस तरह आप एक फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ चुके हो, फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 9, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ये चैप्टर 9 पढ़ो, ठीक है। चैप्टर 9 के अंदर एक टॉपिक है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, इन दैट टॉपिक हम लोगों ने दो रिएक्शंस देखे थे, वन इज अल्काइलेशन
अल्काइलेशन, यानी अगर आपको अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगाना हो तो क्या करते हैं, एंड देन देयर वाज एसाइलेशन कि अगर आपको एसाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगाना पड़ जाए तो क्या किया जाता है। हमने देखा था कि अल्काइलेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, और आप करते ये हो कि अगर तो आपने कोई R ग्रुप अटैच करना है ना बेंजीन के साथ, तो आप उस अल्काइल ग्रुप का हेलाइड ले लेते हो साथ। मसलन अगर आपने इथाइल लगाना है तो आप क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड या ऐसे कोई चीज़ ले लोगे। तो मसलन मैं इथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ और साथ AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, तो इसमें यह होता था कि AlCl4 प्रोड्यूस हो जाता था और फिर R प्लस एक केटाइन प्रोड्यूस होता था, वो उसको जाके फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अटैक करता था। ओवरऑल कुछ ऐसा होता था कि ये R जो होता था ये यहाँ पर आके अटैच हो जाता था और साथ में ये होता था कि HCl प्रोड्यूस हो जाता है। ये HCl अब कहाँ से आया, ये बेसिकली जहाँ पे R आके अटैच हुआ है ना वहाँ से एक H रिमूव हुआ है और उसने एक क्लोरीन के साथ, इस वाले इथाइल क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के HCl प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप इथाइल क्लोराइड इथाइल बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते थे, यानी यहाँ पर आपके पास R की जगह पर इथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। एंड आई वुड से दिस इज़ अ ईजी वे, यानी अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हो तो ये बेहतर तरीका है निस्बतन ये जो ऊपर आपने देखा था, विच वॉज कि आप डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ विद एथीन। इसमें प्रॉब्लम ये है इस रिएक्शन में कि आपको बहुत ही इंटेंस कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं, सो अल्काइलेशन इज़ अ बेटर सोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको CH और फिर CH3, ठीक है। यहाँ से जो आगे प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अब आपने जो चीज़ प्रोड्यूस करनी थी ना, अगर मैं वो बनाऊँ यहाँ पे, आपने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी थी, यानी बेंजीन हो और इसके साथ विनाइल ग्रुप लगा हुआ, CH2CH लगा हुआ, ठीक है, या डबल बॉन्ड के साथ। अब आपने प्रोड्यूस ये चीज़ करनी है, आपके पास एथाइल बेंजीन प्रोड्यूस हुआ हुआ है, यानी आपको अब ये करना पड़ेगा कि इन दोनों कार्बन्स के साथ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, यानी आपको डीहाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब डीहाइड्रोजिनेशन करने के लिए अगेन वेरी वेरी हाई फाई कंडीशंस के अंदर ये होती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है और ये दोनों कार्बन्स आपस में एक एक बॉन्ड बना लेते हैं एक्स्ट्रा, तो देन दिस कंपाउंड which is then generated is called styrene, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस की अगर मैं आपको समरी बताऊं, आपने बेंजीन का और एथीन का रिएक्शन करवाना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपके पास एथाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि आप बेंजीन का अल्काइल इथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करा दो, इथाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, तो भी आपके पास यही इथाइल बेंजीन ही प्रोड्यूस हो जाना था, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फिर जब आपके पास इथाइल बेंजीन आ जाएगा उसका फिर आपने 600 टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा और क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको डिहाइड्रोजिनेशन करनी होगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेफ रखना है और आपने इस यहाँ से एक दो हाइड्रोजन्स रिमूव करने हैं, यानी ये ना हो कि वहाँ से हाइड्रोजन्स रिमूव, वैसे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे बिहेव करता है बेंजीन, वहाँ से चांस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर भी सैचुरेटेड कंपाउंड है। सो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन होता है और आपके पास स्टायरीन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक हो गया। वंस यू हैव स्टायरीन फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप एडिशन पॉलीमराइजेशन कर सकते हो सिंपली, ये आपके पास बेंजीन ग्रुप है, ऊपर इसके सी के एक तरफ H डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो आप कोई इनिशिएटर यूज़ करो, वो इसको आके अटैक करेगा, वो इनिशिएटर को मैं OR ही ले लेता हूँ, OR यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस वाले कार्बन पे एक डॉट आ जाएगा, फिर अगेन ये इसी तरह के एक और पे अटैक करेगा, फिर आपके पास CCHH और इस वाले कार्बन के ऊपर अगेन एक बेंजीन रिंग लगा हुआ होगा, एंड सो ऑन, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूड रहेगा और आपके पास ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड पॉलीस्टायरीन, ठीक है। ये आपके पास जो है ये एक यूनिट जो है, दिस वन यूनिट इज़ अ मोनोमर, और ये आपके पास पूरे एक
रिपीट होता जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज देन कॉल्ड पोली स्टायरीन. प्रोसेस जो है ये प्रोपोगेशन के बाद फाइनली टर्मिनेट होगा, यहाँ पे आके अगेन एक फ्री रेडिकल अटैच हो जाएगा, ओ आर भी हो सकता है और वो कहीं एक चेन भी हो सकती है डिपेंडिंग. सो नाउ यू नो कि किस तरीके से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं पोली स्टायरीन को. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ पोली स्टायरीन. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक ऑन द राइट साइड आपको नजर आ रहा है कि पोली स्टायरीन भी बेसिकली तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. जिस तरह लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट दिस कि आपके पास जो पोली विनाइल क्लोराइड था उसकी टैक्टिसिटी थी, टैक्टिसिटी. टैक्टिसिटी में हमने ये बात की थी कि जो क्लोरीन है ना वो किस लोकेशन पे लगा हुआ है. अगर तो सारे के सारे एक ही लोकेशन पे लगे हुए हैं तो फिर हम उसको आइसोटैक्टिक बोलते हैं. ठीक है, सब ऑन द सेम साइड अगर लगे हुए हों, ठीक है, या तो सारे टूवर्ड्स मी या सारे अवे फ्रॉम मी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि सारे ऑल्टरनेट लोकेशंस पे लगे हुए हों जिनको आप सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स बोलते हो. आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें सारे सेम लोकेशंस पे लगे हुए होते हैं, यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है. सिंडियोटैक्टिक में ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है, एक ये फिर एक ऊपर फिर एक नीचे फिर एक ऊपर, इसको फिर आप कहते हो ऑल्टरनेट लोकेशन, ये सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. एंड फाइनली देयर इज अ थर्ड टाइप विच इज एटैक्टिक पॉलीमर. एटैक्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंडियोटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स. इनमें आपके पास कोई फॉर्म कुछ फॉलो नहीं हो रहा होता रूल, मसलन एक नीचे दो ऊपर फिर एक नीचे फिर तीन ऊपर फिर चार नीचे फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, यानी कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता, बिल्कुल रैंडम लोकेशंस के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ होता है. जो लास्ट टाइम आपके पास ग्रुप लगा हुआ था दैट वाज क्लोरो ग्रुप, और इस दफा आपके पास जो ग्रुप लगा हुआ है दिस इज फिनाइल ग्रुप या बेंजीन. तो फिनाइल ग्रुप देखो, अगर तो ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरह करके लगा हुआ है ना, सो इसको आप बोलते हो सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. ठीक है, एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की आप प्रॉपर्टीज देखो, दीज आर हाईली क्रिस्टलाइन. ठीक है, हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर होता है और एक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल होता है इनका. इफ यू सी देन द सेकंड नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एटैक्टिक पॉलीमर. एटैक्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ही रैंडम लोकेशंस के अंदर होता है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा होता. ऑन द लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न. इन द थर्ड वन यू सी दिस इज आइसोटैक्टिक. आइसोटैक्टिक के अंदर जो होता है वो सब एक ही तरफ को लगे हुए होते हैं. सिंडियोटैक्टिक में ऑल्टरनेट जगहों पे और आइसोटैक्टिक में सब एक ही, या तो सब राइट पे या सब लेफ्ट साइड पे लगे हुए होंगे. ठीक हो गया. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टायरीन. इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स में नजर आ रही होंगी मुख्तलिफ चीजें. लेट्स शो यू सेपरेटली के ये आपके पास जो घूमता आपको नजर आ रहा है, ये जो एक आपको नजर आ रहा है ना, मसलन दिस ग्रे ग्रीन ब्लू येलो वाइट दिस पर्पल पिंक टाइप चीज, ये आपको बेसिकली एक स्टायरीन का ग्रुप नजर आ रहा है. ठीक है, अब आप अगर एक सिंगल यूनिट देखना चाहते हो, यू कैन सी दिस इज द सिंगल यूनिट. ये आपके पास बेंजीन रिंग है और साथ ये दो कार्बन एटम्स हैं एंड साथ आगे वो फर्दर कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं. आप बैकबोन देख सकते हो, ये इस कंपाउंड की बैकबोन है. ये जो सेंटर में ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे आपके पास कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से हम भी खत्म किए हुए हैं मैंने, और बाकी आपको जितना भी कुछ नजर आ रहा है दीज आर ऑल फेनाइल ग्रुप्स उसके ऊपर लगे हुए हैं ब्लू कलर्स में. सो ये आपके पास एक बैकबोन होगी कंपाउंड की. नाउ लेट अस सी दीज, ये जो आपको मैंने बताए थे ना सिंडियोटैक्टिक एटैक्टिक और आइसोटैक्टिक, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट आइसोटैक्टिक. नाउ यू कैन सी ये सब एक ही तरफ को लगे हुए हैं. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटैक्टिक पोली स्टायरीन. यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर इन द सेम साइड. इसको आप मोशन के अंदर देख लो, वो क्लियर हो जाएगा. ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक हो गया. देन इफ यू वॉन्ट टू सी अमॉर्फस फॉर्म में, दिस इज बेसिकली एटैक्टिक पॉलीमर. एटैक्टिक मतलब इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, यानी कुछ जो हैं वो किसी एक तरफ लगे हुए हैं कुछ दूसरी तरफ, यानी कोई प्रॉपर रूल फॉलो नहीं हो रहा. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अमॉर्फस. अमॉर्फस में बेसिकली एटम्स इररेगुलर होते हैं. ठीक है, सो दिस यू कैन सी ये उसने एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश की है बट देर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट, सो देर इज़ नो बेसिकली अ यूनिट सेल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस.
फिर उसके बाद आप देख सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. सी दिस इज सिंडियोटैक्टिक, दीज लेफ्ट वाले ये राइट वाले, ठीक है. और देखो एक एक के गैप्स हैं, एक ग्रीन फिर ब्लू फिर एक ग्रीन फिर एक ब्लू, ठीक है इस तरीके से. दिस इज सिंडियोटैक्टिक, दिस इज हाईली क्रिस्टलाइन, ठीक है. आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा ऑल्टरनेट आर ग्रुप्स, और आर इस कंडीशन में जो है इस वाले केस के अंदर इट इज़ अ फेनाइल ग्रुप. यू कैन फाइनली सी ए टैक्टिक पॉलीमर, दिस इज एन ए टैक्टिक पॉलीमर. सी एक दो ग्रीन लगे हुए हैं फिर ये एक ब्लू लगा हुआ है, ठीक है. इसमें कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाले लेफ्ट साइड वाले कम हैं राइट साइड वाले ज़्यादा हैं, राइट साइड पे छः लगे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे चार लगे हुए हैं, ठीक है. सो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर. यू कैन वंस अगेन सी दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक इन 3D. आप पेज के ऊपर जैसे बनाते हो एक्चुअली 3D में ऐसे नहीं होता. नाउ लेट अस फाइनली टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ पॉलीस्टायरीन. पॉलीस्टायरीन जो है ना ये नॉर्मली आपने देखा हुआ भी होगा, ये घरों में जब आप कोई बहुत बड़ा टेलीविजन सेट या कोई चीज लेके आते हो तो वो जिस चीज के अंदर होता है ना वो वाइट वाइट सा एक डब्बा सा होता है बड़ा सा, कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह का भी दैट फोम टाइप मटेरियल जो होता है या जिसको आप पैकिंग मटीरियल भी कहते हो, पैकिंग मटीरियल दैट इज प्योरली पॉलीस्टायरीन, ठीक है. वो आपके पास पॉलीस्टायरीन होता है. इसके अलावा पॉलीस्टायरीन और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है. आप कभी चावल वगैरह मंगवाओ ना किसी होटल से अपने घर में तो वो जिस डिस्पोजेबल पैकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है. आई एम नॉट दैट गुड इन ड्राइंग दैट. वो इस तरह की एक जो पैकिंग डब्बा सा आपका आपको आता है दैट इज अगेन पॉलीस्टायरीन, ठीक है. वो बिल्कुल वैसा ही पैकिंग मटेरियल टाइप चीज़ होती है, वो भी पॉलीस्टायरीन होता है. इसके अलावा ये बहुत ही ये सॉफ्ट सा होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीस्टायरीन का मटेरियल. सो इसको आप इस तरह की चीज़ों में यूज़ करते हो. ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वही एक डब्बा टाइप चीज़ है जिसके अंदर आप अक्सर चीज़ें रखते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इस तरह के उनके अंदर आते हैं. दिस इज़ स्टायरोफोम हम इसको बोलते हैं, ठीक है. दिस इज प्योरली एन एग्जांपल ऑफ पॉलीस्टायरीन. अब जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये तीन कप्स हैं और ये तीनों के तीनों पॉलीस्टायरीन मटीरियल्स के बने हुए हैं, ठीक है. इसमें देखो आपके पास एक जो है दिस वन इज़ ट्रांसपेरेंट, ये आपको बिल्कुल वाइट जिसमें अक्सर आप कोक वगैरह लेते हो, ये डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं ये सारे पॉलीस्टायरीन से बनते हैं. देन दिस वन अगेन इसमें आप कोक वगैरह लेते हैं इस तरह की चीज़ें, दीज आर ऑल फ्रॉम मेड अप ऑफ पॉलीस्टायरीन. पॉलीस्टायरीन में भी अगेन यू कैन ऐड सम एडिटिव्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर डिफरेंट हो जाती हैं मुख्तलिफ एडिटिव्स वगैरह डालने से. अब जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दिस इज़ वंस अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलीस्टायरीन. ये जो पॉलीस्टायरीन है ये वो चीज़ है जो बच्चों को बहुत शौक होता है, वो दीवारों के साथ दगड़ते हैं ना तो वो गोल गोल से गिरते हैं छोटे छोटे, जो फोम टाइप चीज़ होती है. दिस इज़ अगेन दैट पॉलीस्टायरीन, ये भी इसका एक यूज़ है. इस टेबल पे आपको जितना कुछ नज़र आ रहा है ये सब का सब पॉलीस्टायरीन मटीरियल से बना हुआ है. यू कैन सी डिफरेंट कप्स हियर, प्लेट्स, स्पूंस, ये सब का सब जो है दिस इज़ पॉलीस्टायरीन. दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पॉलीविनाइल एसीटेट की बात करेंगे, ठीक है. एंड विल डिस्कस के इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है.